نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اسی محبت اسی ذوق اسی شوق کے ساتھ جو کہ سنی کی پہچان ہے ایک مرتبہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد الحمد الصلاۃ مرکز صراط مستقیم کے اس پرفیض مقام سے سٹیج پر جتنے بھی علماء کرام مشائخ عزام اور پنڈال کے اندر فکر مجدد الف ثانی اور نظریہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ محبت کرنے والے سنی عوام، تین چار گزارشات مختصراً آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے مرکز صراط مستقیم میں قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ آپ کی طرف سے جو شعور اہل سنت کو عطا کیا گیا ہے وہ شعور یہ ہے کہ اگر عالم کفر کسی قسم کی بےہودگی کرتا ہے تب بھی اس مرکز صراط مستقیم سے اس کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ تو وہی بات گستاخانہ خاکے ہوں یا کلام اللہ کو جلانے کی ناپاک حرکتیں ہوں، میں اس پلیٹ فارم سے تمام عالم کفر کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک اہل سنت و جماعت کا ایک بچہ بھی زندہ ہوگا تم کوئی بھی ایسی حرکت کرو گے تمہارا منہ توڑ دیا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ پوری دنیا کے اندر امن قائم رہے تو اپنی ان غلیظ حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ دوسری بات کہ مرکز صراط مستقیم وہ پلیٹ فارم ہے جس سے ہر بد عقیدہ کو ناکوں چنے چبوائے گئے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو آخر میں میں ایک چھوٹا سا تحفہ خاص کر کے آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے۔ پلیٹ فارم الحمدللہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، سنی کم نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شخصیات تشریف فرما ہے، قبلہ جلالی صاحب اکیلے نہیں ہیں، قبلہ جلالی صاحب اکیلے نہیں ہیں۔ جیسے قبلہ نے رافضیوں، خارجیوں، نیم رافضیوں،
ईरान के पैसों पर पलने वाले, बर्तानिया के टुकड़ों पर पलने वाले और इंडिया के टुकड़ों पर पलने वालों को नंगा कर दिया है। ऐसे ही किबला जलाली साहिब ने उलमाए हक्का का वो खूबसूरत गुलदस्ता भी इन शख्सियात की सूरत में अवामे अहले सुन्नत को अता कर दिया है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे राफजी हो, खारजी हो, पूरी दुनिया के अंदर जहां भी किसी ने हरकत की, किबला कायद मोहतरम ने उसको गर्दन से पकड़ा, उसको पंजाबी जादिन उड़ाया, गोता दिता, फिर उसनों खड़ा करके दसिया कि हुण दस तू कि तेरा की ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जितने भी राफजी हैं, जितने भी खारजी हैं, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको ये वाजे तौर पर पैगाम देना चाहता हूं, ये पाकिस्तान न राफजियों ने बनाया है, न खारजियों ने बनाया है, न नीम राफजियों ने बनाया है। पाकिस्तान की बुनियादों में अगर किसी का खून शामिल है तो वो सुन्नी फिक्रे रजा वालों का खून शामिल है। तीसरी बात कि इस प्लेटफॉर्म से जो अपने हैं उनको भी हमेशा दावते फिक्र दी गई है, मुहज्जब अंदाज में जो अपने हैं उनको दावते फिक्र दी गई है मुहज्जब अंदाज में। मुझे एक चीज का बहुत दुख हुआ है, हालांकि हमें किसी की हिमायत की जरूरत नहीं है, हमारी हिमायत ये उलमाए हक्का, ये चमकते हुए चेहरे, इनकी मोहब्बत ही हमारे लिए काफी है। लेकिन बहसियत अहले सुन्नत होने के, जरा समझो तो सही मेरी बात को, चाहे कराची की रैली हो, बहुत बड़ा पावर शो हुआ, चाहे सियालकोट की रैली हो, कॉन्फ्रेंस हो, बड़ा पावर शो हुआ, मुल्तान की रैली हो, बड़ा पावर शो हुआ, लेकिन अजीब बात है, बदअकीदा लोगों से तो इत्तेहाद किया जा रहा है, बदअकीदा लोगों से तो इत्तेहाद, मैं दावते फिक्र दे रहा हूं अभी कि बदअकीदा लोगों से तो इत्तेहाद किया जा रहा है, लेकिन जिसने सारी जिंदगी नजरियाते अहले सुन्नत, अफकार आला हजरत पर पहरा दिया है, उसके साथ इत्तेहाद तो दूर की बात है, उसका नाम भी लेना गवारा नहीं किया जा रहा। ऐ अवामे अहले सुन्नत, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। हर कोई अपने अपने मफादात को मद्देनजर रखे हुए है, पावर शो की जा रही है, बदअकीदा लोगों के साथ कट किया जा रहा है, लेकिन अहले सुन्नत के वो जलील और कदर शख्सियात, उनके साथ इत्तेहाद करना गवारा नहीं। समझ ये आता है कि इसके अंदर कुछ काला काला है। अब मैं अपने बुजुर्गों से और खसूसन अवामे अहले सुन्नत से एक बात शेयर करना चाहता हूं, मेरी तरफ से वो तोहफा है आपके लिए। 2017 में किबला कायदे मोहतरम फुल्लरवान तहसील बलवाल, उसके अंदर तशरीफ ले आए। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात आपको अर्ज कर रहा हूं, किबला कायदे मोहतरम ने जिला सरगोधा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, तो मैंने अर्ज किया कि हजूर मेरे एक बुजुर्ग हैं कि पहले मैं उनसे मशवरा करूंगा, वो अगर मुझे इजाजत फरमाएंगे तो फिर मैं ये तहरीक की जिम्मेदारी कबूल करूंगा, अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो मैं फिर माजरत चाहूंगा। किबला कायदे मोहतरम ने फरमाया ठीक है, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना। दूसरा दिन सुबह मैं अपने उन बुजुर्गों के पास गया,
मेरी इस बात के गवाह हजूर कंजुल उलमा हैं, मेरी इस बात के गवाह उस वक्त और मेरे चंद दोस्त अहबाब मौजूद हैं। आज मैं आपको ये आपके सामने लाइव अर्ज करना चाह रहा हूं, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि किबला कायदे अहले सुन्नत की पुश्त पर बड़े बड़े बुजुर्गों का हाथ है। जब सुबह मैं उन बुजुर्गों के पास गया तो मैंने अर्ज की कि ये सूरत हाल है, आप मुझे मशवरा अता फरमाएं कि मैं ये जिम्मेदारी कबूल कर लूं या ना करूं। तो उन बुजुर्गों ने मुझे पता है क्या कहा, उन्होंने फरमाया, अभी वो बुजुर्ग हयात हैं, तो उन्होंने मुझे फरमाया कि देखो भाई, मुझे एक ख्वाब आया था। हजरत हक्कानी साहब आपकी अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे एक ख्वाब आया था, वो ख्वाब मैंने आपसे छुपाया, मुझे फरमा रहे हैं। आज आपने ये सवाल किया है तो वो ख्वाब आज आपको बताता हूं। फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, डॉक्टर साहब उम्र में उनसे छोटे, हर हिसाब से वो बुजुर्ग उम्र हैं, तो डॉक्टर साहब किबला का नाम लेके फरमाते हैं कि भाई मैंने ख्वाब में देखा कि आसिफ जो है ये तीन मंजिला एक मकान है, उसके साथ सीढ़ियां चढ़ती हैं। ये आसिफ आता है, सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है तो जो पहला कमरा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा मौली खड़े होते हैं। वो जब आसिफ को देखते हैं सब बाहर निकलते हैं, कोई इसकी कमीज को पकड़ता है, कोई इसके बाजू को पकड़ता है, कोई इसकी टांग को पकड़ता है कि इसको ऊपर छत पर नहीं जाने देंगे। वो इसको सब पकड़ते हैं, लेकिन भाई मैं देख रहा हूं ये सबसे जोर आता है, उनसे दामन छुड़ा के पहली मंजिल पर चढ़ जाता है। अरे तकबीर, अरे रिसाल, नारे हैदरी, हक्का दाई, हक्का वासिफ, हक्का दाई, हक्का वासिफ। साहबजादा पीर मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील साहेब पहली मंजिल पर चढ़ जाता है। वो मंजिलें आप खुद समझते हैं कि कहां कहां से किबला डॉक्टर साहब को पकड़ने की कोशिश की गई। वो फरमाते हैं बुजुर्ग कि दूसरी मंजिल पर जाने के लिए जब वो सीढ़ियों की तरफ जाता है तो उसके साथ जो कमरा है उस वक्त यकीन करें उन बुजुर्गों ने मुझे इशारा करके बताया था कि उसके साथ जो कमरा है उसके अंदर पहले से भी ज्यादा जुब्बे और कुब्बे वाले, ऐसे उन्होंने इशारा किया था। वो मुझे बात जब वो आप समझ आई कि ऐसे इशारा किया था, वो तो वो सात मंजिला वो मीनारे पाकिस्तान वाला मामला आ गया कि ऐसे बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे वाले लोग निकलते हैं और आसिफ को पकड़ते हैं, जोर लगाते हैं, हत्ता कि इस तरह अपने बाजुओं में पकड़ते हैं, लेकिन इन सब को धूल चटा के अल्लाह और उसके रसूल के फजल और एहसान से उनसे दामन छुड़ा के अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हमारे स्टेज पर जलवागर हुए पीरे तरीकत दरबारे शरीयत हजरत अलामा मौलाना पीर डॉक्टर मोहम्मद सगीर अहमद नक्शबंदी साहब, आस्थाना आलिया बोरला शरीफ, आस्थाना आलिया बोरला शरीफ, आस्थाना आलिया बोरला शरीफ। हम दिल के थक ग्राहियों से पीरे तरीकत दरबारे शरीयत हजरत अलामा मौलाना पीर डॉक्टर मोहम्मद सगीर अहमद नक्शबंदी साहब को खुशामदेद कहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह अजीज आस्थाना आलिया कोटला शरीफ के दूसरे चश्मो चराग हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब भी थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं।
इंशाल्लाह अजीज स्टेज पर बड़ी बड़ी शख्सियात दिलवागर होने वाली हैं। इंशाल्लाह हम ज़ियारत भी करेंगे, इनके खिताबात भी सुनेंगे। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। तो इन सब से दामन छुड़ा के तीसरी मंजिल यानी मंजिले मकसूद पर पहुंच जाते हैं। ये ख्वाब मुझे बताकर उन्होंने फरमाया कि भाई आप इसके साथ खड़े हो जाओ, ये कामयाब होगा। पहला इम्तिहान गुजरा, किबला कायद मोहतरम उस मंजिल पर चले आए। ऐ सुनियो, ये दूसरा और आखिरी इम्तिहान है और अल्लाह के फजल व करम से माहे मदीना की नजरे इनायत से बगैर कोई माजरत किए, बगैर कोई तहरीर किए हमारे कायदे अहले सुन्नत हजूर कंजुल इलामा मुफक्कर इस्लाम अल्लाह के फजल व करम से अन करीब हमारे दरमियान होंगे। इसीलिए अपनी वो जवानियां, अपनी हमदर्दियां, मुझे किसी ने कहा कि आप किबला डॉक्टर साहब के साथ होते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा ना भाई ना, हमारा किबला कंजुल उलमा के साथ होना हमारा उन पर एहसान नहीं है। ये मेरी बात जहन में रखें, हमारा उन पर एहसान नहीं है बल्कि उनका हम पर एहसान है कि हमें इस मुकद्दस सफर के अंदर अपने साथ शामिल फरमाते हैं। लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखना। अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सब पर अपना खास करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।